क्या आप जानते हैं अमेरिका के मशहूर रिसर्चर बिल हास्ट अपने हैरतअंगेज कारनामों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। बिल हास्ट एक रिसर्चर से सांप पकड़ने वाले बने। बताया जाता है कि उनको 172 बार सांप ने काटा। 20 बार तो ऐसा हुआ जब सांप के काटने की वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक समय में बिल हास्ट के पास 10,000 सांप थे। उनके पास समुद्री सांप, टाइगर स्नैक, कोबरा, रेटल स्नैक और वाइपर स्नैक थे। वो बिना ग्लव्स पहने ही सांप को अपने हाथ से पकड़ लेते थे। वो सांप का मुंह दबाकर उसका जहर निकाल लेते थे, जिसका इस्तेमाल वो मेडिकल रिसर्च में करते थे। बिल हास्ट जब महज 12 साल के थे तब उनको सांप ने पहली बार काटा था। उन्हें सबसे पहली बार डायमंडबैक रेटलर सांप ने काटा था। बचपन से ही उन्हें सांपों में रुचि थी। वो उस वक्त अमेरिका के फ्लोरिडा में रहते थे। बिल हास्ट ने अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा करने के लिए मिट्रिडिटिज्म तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसमें शख्स को निश्चित मात्रा में समय समय पर जहर दिया जाता है।